पाली जिले के समस्त ग्राम पंचायतों के ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा राज्य सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष आशुतोष सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, कुछ महीनों पूर्व उनकी वेतन विसंगतियां, गृह जिला स्थानांतरण सहित उनकी जायज मांगों के लिए सरकार के साथ एक समझौता हुआ था। शीघ्र ही समझौते के तहत उनकी मांगें पूरी करने का आश्वासन मिला था। महीनों बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके खिलाफ आज समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने अपने समस्त प्रकार के राजकीय कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ गए। इस मौके पर जिला बरसिया एक ग्राम विकास अधिकारी संघ के ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी संघ द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ और वर्तमान राजस्थान सरकार के बीच में कुछ समय पूर्व में हमारी मुख्य मांगे थी, जिसके अंदर अंतर जिला स्थानांतरण है, ग्रेड पे 3600 करने सहित काफ़ी प्रमुख मांगे थी, उनको लेकर एक लिखित में समझौता हुआ और उस समझौते के अंदर कहा गया था कि कुछ दिनों के अंदर सारी चीज़ें लागू कर देंगे, लेकिन बहुत अधिक समय बीत गया। उसके बाद में समय समय पर ग्राम विकास अधिकारी संघ ने सरकार से आग्रह भी किया, लेकिन आज दिन तक हमारी एक भी मांग पूरी नहीं हुई है। इस प्रकार ये सरकार की एक प्रकार से वादा खिलाफी ही है। इसके विरोध में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर आज ग्राम विकास अधिकारी संघ की उपशाखा मारवाड़ जंक्शन के द्वारा दिनांक 4 अगस्त से अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तब तक सभी प्रकार की योजनाओं के कार्यों का हमने बहिष्कार कर दिया है। आज से ग्राम विकास अधिकारी संघ किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे। इस संबंध में हमने अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से और आम जन से पूर्व में सभी जगह उपस्थित होकर क्षमा याचना की है कि इससे निसंदेह आम जन को समस्याएं होंगी, इसलिए हमने सबसे पूर्व में क्षमा भी मांग चुके हैं। सरकार अपनी अधर्मिता छोड़े, हमारी मांगे पूरी करे और जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारे द्वारा संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार